पिल्लू लग चुका है इसमें और इसको हटाना गलती से टूट गया गाइस। इस आम को हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? तो फिलहाल अभी हम आए हैं अपने खेत पे। तो यहाँ का तो आम का जो है कितना वीडियो डाल चुका हूँ, ब्लॉगिंग में डाल चुका हूँ। आम काफ़ी बड़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, और ये कुछ दिन में टूट जाएगा, पकने भी लगेगा, तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इधर बम्बई है, देख सकते हैं इधर भी है, और काफ़ी बहुत कम है क्योंकि आंधी उंधी आया तो और झड़ चुका है, ठीक है। और मेन आइए हम बतलाते हैं आपको, ये जो चूना आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ में आप चूना देख रहे हैं जड़ में जो है तने में लगाया हुआ है, ये किस लिए लगाया जाता है? तो ये इसलिए लगाया जाता है ना ये चूना, क्योंकि इसका लंबाई जो है ना, मतलब लंबाई बढ़ने के लिए, मतलब गाछी जो है ना ज़्यादा दिन तक टिका रहे, ताकि अगर ये चूना नहीं लगाएगा ना तो इसमें क्या होता है कि दरारें पड़ जाती है और फटने लगता है, तो अलग अलग कीड़ा जो है इसमें पनपने लगता है और गाछी को बढ़ने नहीं देता है, ज़्यादा उम्र तक जो है नहीं रह पाता है, इसलिए इसमें जो है ना चूना लगाया जाता है। तो पेड़ में देख सकते हैं बहुत सारा पेड़ में लगा हुआ है चूना, तो यही रीज़न है क्योंकि इसमें कीड़ा उड़ा पनपने लगता है और इसका जो है ना ये पेड़ फटने उठने लगता है। काफ़ी धूप है अभी, सूरज भी देख सकते हैं हाई लेवल का है सूरज। और ये आम जो है सड़ चुका है, तो इसमें नुकसान जो है ना बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि आम जितना फटता नहीं उतना सड़ ही जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बीचों बीच में जो है एक आम सड़ा हुआ है, और देख सकते हैं बाद बाकी सब आम ठीक है, वही आम सड़ा हुआ है। इसी के कारण क्या होता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगने से क्या होता है कि सारा आम जो है ना देख सकते हैं सारा आम ख़राब कर देगा, ये पक नहीं पाता, बड़ा नहीं हो पाता है और सड़ कर गिरने लगता है, पिल्लू लग जाता है उसमें। गर्मी बहुत काफ़ी ज़्यादा है और देख सकते हैं यहाँ पर मचान उचान भी नहीं है। तो एक बंदा ने कमेंट किया है, बोला है कि भाई आप कहाँ से हो? तो हम भाई बिहार के छोटा है सीतामढ़ी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और आपका कमेंट हो गया जो भाई कमेंट किया था, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, एक भाई कमेंट किए हैं कि ये इतना छोटा पेड़ है, इतना छोटा पेड़ में जो आम कैसे फल गया, मतलब इतना छोटा सा आम के पेड़ में अगर फल रहा तो अच्छी बात है ना, और इसमें ज़्यादा आम अगर फट गया पूरा पेड़ में तो क्या होता है ना कि आंधी उंधी आता है, बारिश आता है ना, तो उसमें क्या होता है गाछी भी गिरने का डर रहता है। छोटा सा पेड़ है, अगर ज़्यादा आम फट गया सब में इसमें या उसमें, ये छोटा सा सब छोटा छोटा पेड़ है, अगर ज़्यादा आम फट गया तो ये गिरने का चांस रहता है ज़्यादा। सोचता हूँ ना ये आम को तोड़ कर हटा ही दो, क्योंकि वो आम जो है ना, ये आम जो है ना एक आम के कारण जो पिल्लू लगेगा तो ये सारा आम को खा जाएगा, ठीक है, मतलब ख़राब कर देगा सब में पिल्लू। चाहता हूँ कि इसको तोड़ दूँ, ठीक है। ये आम जो है ना सब आम को ख़राब कर देगा, इसमें पिल्लू लग गया है पूरा, ये देख सकते हैं पिल्लू लग चुका है इसमें, और इसको हटाना ही सही है। इधर फेंक देता हूँ, इस आम के कारण जो है गाइस एक आम और टूट गया हमसे, गलती से हो गया है, गलती से टूट गया गाइस। तो इसके लिए चलते घर। जामुन का पेड़, ये जामुन का पेड़ इसमें भी चूना लगाया गया है, लेकिन ये क्या होगा ना, ये जब बड़ा होगा ना तो ये पूरा गाछी को ना ख़राब कर सकते हैं, क्या कि इसका जड़े जो होता है ना ये कहीं कहीं फैल जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग भी कहते हैं कि इसमें जामुन का पेड़ में जो है ना ये कुछ भूत वूत रहता है, ये सब का कहानी है पुराने लोग का, तो ऐसा है नहीं रियलिटी, ये झूठ फूस का जो है ना इसमें कहावत है एक, तो उसको रहने देते हैं। तो गाइस निकलते हैं, क्या कि धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो निकलते हैं घर की ओर। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।